तो श्री हनुमान जी की माता सीता रसोई में आज हम भी आए हैं और जो इनके कर्ता धर्ता हैं, जो ये काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस ये कर रहे हैं, एक बार उन्हीं से जानते हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम विजय अरोड़ा सर। विजय अरोड़ा, तो कैसे ये आपके मन में आया कि ये स्टार्ट करा जाए और कैसे, कुछ बताओ थोड़ा सा। हमारे रखे जी हैं, इनके मन में विचार आया। अच्छा, कि भी क्यों ना भी हम गरीबों के लिए अपना जो भी अपना ज्यादा खाना चालू किया जाए। हाँ जी, हमने पहले शुरू में अपना 15 रूपए खाना हमने चालू किया अपने। ओके, उसमें 2 सब्जियाँ 15 रूपए में, 2 सब्जियाँ 2 सब्जियाँ और 2 रोटी और चावल और अचार वगैरह और सलाद वगैरह में सिस्टम रखा था। पहली जनवरी से हमने 1 रुपए रेट बढ़ा दिया। 1 रुपए पहली जनवरी से। और 800 बंदा करीब डेली खाना खा रहा है। 700-800 बंदा डेली खाना खा के जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। रविवार का अवकाश रहता है, रविवार को छुट्टी रहती है। तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, आप भी यहाँ पे आए और बिल्कुल जरूरतमंदों को भी बताएं कि यहाँ पे खाना मिलता है। शुक्रिया जी। तो जब आप यहाँ आएंगे आपको पहले यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा। नमस्कार जी। तो सब यहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने सस्ते 16 रुपए में खाना खिलाने का। यहाँ से आप टोकन लेना है जी हमें पहले यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से एक टोकन लेंगे 16 रुपए का, उसके बाद हमें जाना है अपनी सीता माता रसोई की तरफ। वहाँ पे जाके आपको थाली मिलेगी और रिफिल, अगर आपको दाल रिफिल करानी हो तो यहाँ पे अंकल जी रिफिल कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया सेवा हो रही है यहाँ पे, देख के मजा आ गया। रोज 700-800 लोग यहाँ पे खाना खा लेते हैं। बढ़िया खाना है। बढ़िया खाना, तो डेली आते हो आप यहाँ पे? डेली आते, डेली, और किफायती भी है, बढ़िया लगता है आपको? बढ़िया, बहुत शुक्रिया जी। तो बैक साइड में जो है इनका पूरा कुकिंग एरिया है और यहाँ पे सारी कुकिंग होती है। अब ये देखो हांडियों में दाल लग रही है, वो आटा रोटियां लग रही हैं। अब ये हांडी देखो, वाह, हांडी की दाल का मजा ही अलग है। और ये देखो दाल, भैया कितने देर से ये दाल बन रही है? सुबह से बन रही है। तो एक बार जरा चला के दिखाओ दाल कैसी है। अच्छा, इसको घोटते हो? बहुत बढ़िया, एकदम लंगर जैसी दाल बनती है। दाल की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है और पकती रहेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो मजेदार टेस्ट हो जाता होगा इसका। और ये है आलू की सब्जी, इसमें क्या क्या डालते हो? आलू, सोयाबीन। आलू और सोयाबीन, बहुत बढ़िया। इसमें भी बहुत एकदम भंडारे जैसी खुशबू आ रही है सब्जी में। एक चीज और है, बगैर प्याज लहसुन का पकता जी खाना यहाँ। बगैर प्याज लहसुन का खाना डेली रूटीन में, बगैर प्याज लहसुन का। बहुत बढ़िया, तो बगैर प्याज लहसुन का खाना और 2 सब्जियाँ, रोटी और चावल और आटा, ये देख लो आप कितना लगा पड़ा है। तो भाई साहब रोटी आप ही बनाते हो? कितनी रोटी बना लेते हो एक दिन में? 1300 रोटी। अरे बाप रे, रोटियां यहाँ बनती जाती हैं और बाहर सप्लाई होती जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जो है पूरा खाना बाहर जो लोग खा रहे हैं उनको दिया जाता है। ये अपनी जो मैंने आपको दाल दिखाई, दाल ये है, ये आलू और आलू का झोल है, आलू सोयाबीन, आया सोयाबीन का झोल है। ये भगोने भर के यहाँ पे राइस रखे हैं और राइस बढ़िया अपने धनिया वनिया डाल के, जीरा वीरा डाल के, और यहाँ पे जो है प्लेट तैयार होती है, रोटी खोलो यार, सारी प्लेट तैयार होती है और यहाँ पे भी बढ़िया गरम गरम रोटी देते जाते हैं। और सिर्फ 16 रुपए में है ये। 16 रुपए में आज की डेट में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। और इतना सब कुछ 16 रुपए में सब पेट भर रहे हैं लोग अपना, और जिसके पास पैसा ना भी हो वो यहाँ पे फ्री में खा के जा सकता है। तो जो यहाँ पे थाली लगती है ये गल गई, इसमें दाल और ये सोयाबीन और आलू की सब्जी, बहुत बढ़िया गरम गरम सब्जियां, साथ में ये लग गए राइस और 2 रोटी, बहुत बढ़िया। जो चावल नहीं लेते हाँ, तो उनको 3 रोटी देते हैं। जो चावल नहीं लेते उनके लिए 3 रोटी हैं। बहुत बढ़िया, तो ये हमारी भी प्लेट रेडी हो गई है और खाने की खुशबू भी बहुत बेहतरीन है। तो एक बार आपको खा के भी हम बताएंगे, तो आप एक बार हमें टेस्ट करके बताओ इसका कैसा टेस्ट है।
ये दाल, ये सोयाबीन और ये राइस। रोटी कैसी? बढ़िया तंदूरी रोटी, रोटी ऐसे जैसे चूल्हे की रोटी होती। चूल्हे की रोटी बहुत बढ़िया। बहुत बेहतरीन दाल है, दाल बढ़िया गुड्डी हुई। लगता है इसमें लहसुन वगैरह वो सब नहीं है, लहसुन प्याज नहीं है, और ये अच्छी दाल है, बिल्कुल सिंपल सी दाल, जैसी लंगर वगैरह में जैसी मिलती है। बहुत बढ़िया। नमस्कार अंकल जी, तो आप यहाँ आते रहते हैं जी? तो कैसा लगता है आपको यहाँ का खाना? खाना बढ़िया और किफायती भी। शुक्रिया। तो ये जो है पूरा जो है डोनेशन पे चल रहा है, और अंकल जी थोड़ा बताए कि अगर कोई देना चाहे कुछ, अगर तो भी देना चाहे 10 टेकन ले, 20 ले, 50 ले, जितना मर्जी। 16 रुपए के हिसाब से, 16 रुपए जितने आदमियों को यहाँ खिलाना चाहे उतने टोकन लेके खिला सकते हैं, और कुछ डोनेशन देना चाहे पूरे दिन का वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थाली आपको दिखाई जो कि 16 रुपए की थाली मिलती है, और बहुत ही बढ़िया, रोज 700-800 लोग खा के जाते हैं। हमने भी खाई, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है दाल का और आलू की सब्जी का, मजा आ गया। एक बार अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो एक बार जरूर विजिट करें। शुक्रिया।